अभी उसी को कंटिन्यू कर रहे हूँ, फीचर्स ऑफ विंडोज 10 को. स्नैप असिस्ट की बात कर रहे थे. स्नैप असिस्ट इट हेल्प्स यू टू रीअरेंज विंडोज टू मेक बेटर यूज ऑफ द स्क्रीन. ये हमारी, ये देखो अभी पूरी स्क्रीन के ऊपर ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खुली हुई है. इसके टाइटल बार के ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगी तो ये अपडेट हो गया है, उसने एक स्पेस ले ली है स्क्रीन के ऊपर. तो अभी मैं कुछ और ओपन करूंगी, ये देखो और मैंने ओपन किया तो ये अपने आप, मतलब एक स्क्रीन के ऊपर दो से ज्यादा विंडोज मेरी खुल सकती हैं. सी, एक ही स्क्रीन के ऊपर दो से ज्यादा विंडोज खुली हुई हैं. अभी मैं इसी टाइटल बार के ऊपर डबल क्लिक करूंगी, ये फिर से स्क्रीन का पूरा पार्ट ले लेगा. नेक्स्ट बात करते हैं, फिफ्थ इज विंडोज हेलो. इट असेस यू योर कंप्यूटर बाय शोइंग फेस फिंगरप्रिंट्स टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी. जैसे हमने फोन में फिंगरप्रिंट्स यूज करके फेस लॉक यूज करके अपने फोन के लॉक खोलते हैं, वैसे ही कंप्यूटर विंडोज 10 हमें एक्स्ट्रा फीचर देता है विंडोज हेलो का, जो कि अपना फेस दिखाकर या फिंगरप्रिंट दिखाकर कंप्यूटर को ओपन करेगा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देने के लिए. इसमें कुछ एक्स्ट्रा हार्डवेयर की भी जरूरत पड़ती है ताकि वो फिंगरप्रिंट सेंस कर सके, फेस को शो करवा, फेस के लिए उसको कैमरा की जरूरत है. मेरे यहाँ पे कैमरा और फिंगरप्रिंट वो नहीं है, इसलिए मैं विंडोज हेलो आपको यूज करके नहीं दिखा सकती. तो फीचर्स जो हैं विंडोज 10 के इतने ही हैं, और भी हैं जो आपको बड़ी क्लासेस में और एक्सप्लेन किए जाएंगे. नेक्स्ट बात करते हैं, ये पिछली बार भी डिस्कस हो चुका है, एक बार मैं फिर दोबारा से कर रही हूँ. फिर दोबारा से कर रही हूँ कि टाइल्स को स्टार्ट में पिन कैसे करते हैं. फर्स्ट क्लिक ऑन स्टार्ट. मैं साथ साथ में जैसे जैसे पढ़ रही हूँ वैसे वैसे आपको स्टेप्स भी करके दिखाऊंगी, ठीक है. क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन ऑल एप्स. पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, ये हमारे ऑल एप्स हैं, ठीक है. देन फीचर क्या है, क्लिक राइट क्लिक ऑन द ऐप दैट यू वांट टू एड टू स्टार्ट मेन्यू. राइट क्लिक करना है, ऑल एप्स पे गई, मैं इसको पिन करना चाहती हूँ एडोब रीडर को. मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगी माउस के साथ, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगी पिन टू स्टार्ट. आई विल क्लिक ऑन पिन टू स्टार्ट. तो ये देखो, ये स्टार्ट मेन्यू में पिन हो चुका है और इट विल अपियर इन द फॉर्म ऑफ टाइल. ये पिछली बार मैंने वर्कशीट में आपको ब्लैंक भी डाली थी इसी सारे स्टेप्स की, और इसीलिए मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है शायद बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आया, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. आई अगेन रिपीट दीज स्टेप्स. क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, देन ऑल एप्स के ऊपर क्लिक करना है, फिर राइट क्लिक ऑन द ऐप दैट यू वांट टू ऐड टू स्टार्ट मेन्यू. आपको राइट क्लिक करना है और पिन टू स्टार्ट पे क्लिक कर देना है. सिलेक्ट द ऑप्शन पिन टू स्टार्ट. द सिलेक्ट ऐप इज डिस्प्लेड. जो सिलेक्टेड हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया था वो राइट पेन में हमारा इन द फॉर्म ऑफ टाइल्स में दिखने लग जाता है. इट स्टार्ट डिस्प्लेइंग इन द फॉर्म ऑफ टाइल्स. ये स्क्वायर की शेप में हमें नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं टाइल्स. सो आई होप आपको ये अभी तक यहाँ पे समझ आया होगा कि विंडोज 10 क्या होती है, विंडोज 10 में कौन कौन से फीचर्स हैं, और कुछ चीजें बताई हैं कि इसको पिन कैसे करना है टाइल्स को, और आइकन कौन कौन से हैं.